सचने रखा पलव जिले के नौजवान ने 9 तारीख की रैली भिवानी में अगर उठा लो साधन की जरूरत है, वो साधन हम देंगे। हमारे बहुत ही कर्मशील उपमुख्यमंत्री जी श्री दुष्यंत चौटाला जी आज हमें जो हमारी आज सबसे बड़ी पार्टी हरियाणा में बनी हुई है और देश में सबसे बड़ी हमारी गिनती है हमारे नेता की, उस पार्टी का उनका समय नहीं है। भाइयों मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सब जिलों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाई साहब को आश्वासन दिया है, मैं भी अपने कार्यकर्ता साथी अपने नेताओं से प्रार्थना चौधरी साहब पलवल जिले का जो भी आपको जो निमंत्रण है ये सिर पर रख के आपसे लिया है और भिवानी में पलवल की आप देख लेना, पलवल किसी जिले से पीछे नहीं रहेगा, आगे ही रहेगा। मैं भाई हरीश बैसला जी, बीसीसीएल के अध्यक्ष भाई संजय बघेल जी, माननीय सीएम के संस्थापक हैं, उनके आशीर्वाद से पार्टी चल रही है। मैं सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगा कि उस रैली को ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी दें और पलवल का नाम रोशन करें। सुशन जी का बहुत स्वागत करते हैं, अपनी जगह लेता हूं, धन्यवाद। देश एकमात्र यही है कि हम सब 9 तारीख को पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भिवाड़ी की पावन धरा पहुंचकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिलाए कि आज से 4 साल पहले जब उनने 19 नवंबर को ये निर्णय लिया, 17 नवंबर कि झंडा डंडा त्याग कर एक नई शुरुआत करी जाएगी, उस कदम का आज प्रदेश के अंदर हमने मिलकर कितनी मजबूती दिखाकर ताकत दिखाकर किस मुकाम पर ले जाने का काम किया। साथियों, पहला स्थापना दिवस हमारा पांडे पिंडारा की पावन धरा पर था और जो जनसभा वहां आया उसने प्रदेश में एक युवा शक्ति को नया हौसला नई आवाज देने का काम करें। अगला स्थापना दिवस हमारा 3 चुनावों के बाद आया, जींद का उपचुनाव, लोकसभा के चुनाव और फिर जहां 2 चुनाव में पीछे रहे वही आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने प्रदेश में हमें 10 विधानसभा सीटें जिताकर सरकार में हिस्सेदारी दिलवाकर पानीपत में स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला। 2020 के अंदर पार्टी का स्थापना दिवस इसलिए स्थगित करना पड़ा कि कोरोना काल के अंदर सारी गतिविधियां बंद थी। 21 के अंदर किसान आंदोलन के बावजूद भी पार्टी ने अपना स्थापना दिवस झज्जर की पावन धरा पर बनाया, मगर आज ये अवसर सुनहरा है और इस अवसर के अंदर हम सबको अपनी ताकत को दर्शाने का मौका है। अगला स्थापना दिवस तो लोकसभा चुनाव का स्थापना दिवस हो और उससे अगला स्थापना दिवस आपका नतीजे आने के बाद विजय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पर साथियों, आज तो आपका ट्रेलर है, आज ये मौका है जिसके अंदर आप अपनी पूरी ताकत दर्शा सकते हैं और जितनी मेहनत लगन के साथ आप ताकत को दर्शाओगे उतना ज्यादा जोश केवल मात्र प्रदेश के लोगों में नहीं दिखेगा, देश के अंदर भी आप संदेश भेजने का काम करोगे कि आपका संगठन पहले से कितना विशाल और कितना मजबूत है। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, आपका 21वां जिला है 20 जिले इससे पहले के और ये संपूर्ण तौर पर
कार्यकर्ताओं के हौसले और जोश से लगता है कि आज तक की जितनी रैलियां मेरे जीवन काल में मैंने देखी है, 87 वाली तो देखी थी, ये तो पत्रकार साथी या बूढ़े बुजुर्ग बता सकेंगे, मगर पांडु पिंडारा का जोश और उससे विशाल रैली शायद नहीं दिखी। मगर इस बार उसका रिकॉर्ड भी भिवानी के मेला ग्राउंड में कार्यकर्ता तोड़ने का काम कर। क्या मेरे हौसले टूटे? अगले दिन फिर खड़ी होगी राजनीति में, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के बाद सूत कब बैठे? अब हमारा एक सोनीपत का साथी था, 3 बार चुनाव लड़ा, पहले सरपंची का 3 बार रह गए। इस बार उसने निर्णय कर लिया कि भाई मैं सरपंची का चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो गांव वालों ने जाके उसको खड़ा कर दिया और सर्वसम्मति से सरपंच बना। मगर वो मेहनत करता रहा, रुका नहीं, उसने संगठन के प्रति जो अपनी भावना थी उसको बड़ी ईमानदारी से निभाने का काम किया। तो अगर कोई साथी चुनाव में पीछे रह गया और 5-25 से हार गया, तो उसका हौसला मत टूटने दो, उसके घर जाओ, उसको बनाओ और उसको रैली के लिए एक्टिव करो। आप हौसला दोगे तभी हमारी टीम की यूनिटी और टीम की एकता मजबूती इकट्ठी हमें देखने को मिलेगी। मैं तो यही विनती प्रार्थना आपसे करने आया था, और मैं उम्मीद करता हूं सभी साथी 9 तारीख को जोश और उत्साह के साथ क्या कार्यक्रम था 9 तारीख को भिवाड़ी में पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में पलवल जिले के सभी साथियों को आमंत्रित किया है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो पौधा लगाया था, जो फल देने वाला वृक्ष तो बन गया, और उसकी ताकत दिखाने का भी समय है। 2 साल से कोविड और किसान आंदोलन की वजह से कोई बड़ा कार्यक्रम भी प्रदेश में आयोजित नहीं हो पाया। मैं ये मानता हूँ कि ये जो जलसा होगा ये हरियाणा प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, और चौधरी देवीलाल जी की जो सोच है उसको और कई पार्टियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ा, काफी कम सीटें निकली। भाजपा की बात करें, इनेलो की करें, आपकी पार्टी भी सिरसा जिले में 1 सीट बता रही है। हम तो प्रदेश भर में कई सिंबल पे नहीं लड़े, और पार्टी ने ये फैसला कर लिया, मगर हमारे 62 तो पदाधिकारी जो जिला परिषद में चुनाव जीते, और बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमारे से जुड़े हुए कार्यकर्ता है मगर उनके पास पार्टी का कोई पोस्ट नहीं था। और आज के दिन ये विश्वास दिला देता हूँ बहुत से ऐसे युवा भी जीत के आए हैं जो हमारी सोच से जुड़े हुए रहे हैं, अब उनको साथ मिलकर प्रदेश भर के अंदर जो जिला परिषद के चेयरमैन है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, उनको भी हम बनाने का काम करेंगे। तो 51 रुपये पेंशन की बात है, आपने घोषणा भी करी थी, क्या इस गठबंधन सरकार में ये नहीं हुआ तो क्या गठबंधन टूट जाएगा, क्या राह रह गया? मैंने पहले भी कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में दोनों पार्टियों ने मिलकर निर्णय किया, एक बुढ़ापा पेंशन ही विषय नहीं, 75% भी विषय था जो हमने पूरा किया, और हमारी घोषणा भारतीय जनता पार्टी के और हमारी म्यूचुअल कई ऐसी अनाउंसमेंट्स है जो हमने समय अनुसार पूरी करी। बुढ़ापा पेंशन भी हमारा प्रयास है कि इसको बढ़ाया जाएगा, 5100 पहुँचाया जाएगा, नहीं पहुँचाया जाएगा टू अर्ली टू से। देखो आज शपथ ली है औपचारिक तौर पर, पंचायत मेंबर से लेकर जिला परिषद मेंबर तक सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की आज नियुक्तियां हुई है, फंड्स पंचायतों के पास है, प्लस ग्राम दर्शन पोर्टल हरियाणा सरकार ने बना दिया है पंचायती राज विभाग में, अब सरपंचों पे है, वो अपनी एफिशिएंसी कितनी जल्दी दिखाएंगे, जितनी जल्दी गांव विकास के लिए वो प्रोजेक्ट्स लेकर सरकार की ओर भेजेंगे, सरकार उतनी जल्दी उनको अप्रूवल्स भी देगी और काम भी करवाएगी। जिस तरह से आप कई प्रत्याशी हारे हैं, क्या रैली में उसका असर नहीं पड़ेगा जो होने जा रही है? हार जीत की बात नहीं है, कौन सी विधानसभा क्षेत्र से ये साथी लड़े जिसके अंदर हमारे वोट ही 5000 से कम आए, आज उस विधानसभा क्षेत्र में अगर हमारे वोट 20000 क्रॉस करते तो मैं मानता हूँ वोट शेयर के अंदर पार्टी को मजबूती मिलती।